पाइप और टंकी के तीसरे वीडियो में हम आपको कुछ स्पेशल प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। जैसा कि हमने बताया था इसके पहले वीडियो में कि तीसरे वीडियो में आपको ए और बी दो पाइप रहेंगे, दोनों को स्टार्ट तो किया जाता है परंतु 10 या 20 मिनट के बाद किसी एक को बंद कर दिया जाता है और शेष दूसरा पाइप कितने समय में भरेगा, आज इस टाइप के प्रश्नों से आपको हम मुलाकात कराएंगे। उम्मीद है आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। आइए हम लिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। इस प्रश्न को हम ट्रिक से, बाय प्रोसेस और अपने स्पेशल मेथड से कैसे बनाएंगे, सभी तरीके से बताएंगे। आइए तो हम देखते हैं पहले तरीके, स्पेशल मेथड से आप कैसे इन प्रश्नों को हल करेंगे। पहला हमारा था ए किसी पाइप को 6 घंटे में और बी 8 घंटे में भरते हैं, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। स्पेशल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, 24 भाग देते हैं 24 को 6 से 4 और ये 3 यूनिट। कहने का मतलब है ए जो काम करेगा एक घंटे में 4 यूनिट और बी कितना यूनिट, 3 यूनिट। अब कहानी था कि किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, दोनों पाइप को शुरू यदि हम करते हैं तो ये एक बार में 4 यूनिट और ये 3 यूनिट। बोला 2 घंटा तक चालू होता है, इसका मतलब 2 घंटा में कितना समाप्त काम कर दिया गया, 4 और 3 7 यूनिट जो है एक घंटा में, तो 2 घंटा में कितना, 2 गुना 7 बराबर कितना, 14। हमको काम टोटल कितना कराना है, 24। जब 24 में 14 यूनिट समाप्त हो गया, मेरा काम कितना बचा, 10 यूनिट। उसके बाद बोला कि पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, जब पाइप ए को बंद कर दिया कौन करेगा, बी। बी बोला मेरा कैपेसिटी एक दिन का कितना है, 3 यूनिट और हमको काम कराना है 10, तो कितना टाइम हो गया, 10/3। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको हम दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे उसको हम बताते हैं। बोला दूसरे तरीका में करना कुछ नहीं है, ए 6 घंटा में तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 1/4 और बी 8 घंटे में तो कितना, 1/8। अब जो जितना टाइम तक चलेगा, बोला दोनों 2 घंटा चलता है तो 1 घंटा में इतना, तो 2 घंटा में कितना भरा होगा, 2/6 और 2/8। बोला कि ए को बंद कर दिया जाता है, इसका मतलब इतना ही चला, उसके बाद कौन काम किया, बी। मान लिया इसके बाद हम मान लिया एक्स टाइम तक चला तो कितना हो गया, 2+x और दोनों को यदि जोड़ दिए तो टंकी क्या आ गया, फुल हो गया। इस कंडीशन से हमें क्या क्या मिल रहा है उसको देखते हैं। 3 क्रॉस हो गया, 2+x/8=1 -1/3 बराबर कितना, 2/3। आगे मेरा क्या होगा, 2+6+3x=16, 3x बराबर कितना, 16 - 6, 3x बराबर कितना, 10, इसका मतलब x बराबर कितना, 10/3। इसके पीछे भी मेरा x का मान कितना आया था, 10/3। यही मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। क्या क्या काम किए, बोला a और b दोनों पाइप जो है वो 2 घंटे तक चलता है, तो e यदि 2 घंटे चलेगा तो 2/6, ये 8 घंटा में भरता है 1/8 रहता, लेकिन 2 घंटा चला था तो 2/8। बोला इसके बाद ये तो बंद कर दिया जाता है, इसके बाद कुछ समय के बाद जो बचा है भरने के लिए कितना टाइम तक और इसको खोला जाए, एक्स टाइम तक, मान लिया। सॉल्यूशन कर दिए और मेरा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं ट्रिक से कैसे बनाएंगे सेकंड रो में, उस चीज को दिखाते हैं। बोला ट्रिक में भी कुछ नहीं करना है, ए बोला 6 घंटा और बी कितना, 8 घंटा। उसके बाद बोला कि 2 घंटा तक दोनों चले, ये कंडीशन किस में, जब दोनों चले, 2 घंटा तक दोनों चल रहा है। उसके बाद बोला ए को क्या करता है, बंद कर देता है। उसके बाद बोला बी जो है कितने टाइम में भरेगा, तो बोला आपको करना कुछ नहीं, जितना जितना घंटा में भर रहा है दोनों को गुना कर दीजिए और उसमें क्या घटा दीजिए, जितना घंटा दोनों चला यहाँ ऐड कर देना है, और जिसको क्लोज कर रहा है, जिसको बंद कर रहा है, उसे क्या करना है, भाग देना है। क्या क्या ध्यान में रखें, जितना घंटा में भर रहा है दोनों को गुना, माइनस जितना टाइम तक चल रहा दोनों उतना, इनटू दोनों को ऐड करके क्या, जिसको क्लोज कर रहे हैं उससे क्या करना है, भाग देना। क्या मिला हमको, 6 = 48 - 2 - 6 = 8 कितना, 14।
बटे छह कितना 48 माइनस 28 बाय 6 क्या मेरा हो गया 20 बटे 6। इस कंडीशन से भी मेरा कितना आ गया 10 बटे 3। तो तीनों टाइप में आपको जो पसंद हो उस टाइप से बनाए। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल। अब सेकेंडो में हम बनाएंगे, बोला ए जो है 12 घंटा में और बी 15 घंटा में, उसके बाद कहानी था दोनों जो है क्या हुआ 3 मिनट एक्स्ट्रा, दोनों तो साथ खुलता है लेकिन 3 मिनट के बाद ए को क्या करता है बंद कर देता है, और बोला बी कितना टाइम में लगाएगा। तो क्या करेंगे 12 गुना 15 माइनस 3 इंटू 12 प्लस 15 बाय भाग किससे, जिसको बंद कर रहे हैं जो भी होगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। दूसरे तरीके में हम कैसे बनाएंगे, बोला 12 और 15 दोनों का एलसीएम कितना 60, 12 पंच 60 15 चौकी 60। क्या बोला था, बोला कि दोनों तो स्टार्ट होता है लेकिन 3 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो 3 मिनट में क्या कंडीशन होगा 5 4 9 यूनिट एक बार में करता है, तो 3 मिनट में कितना 5 4 9 9 किया कितना 27, टोटल हमको कम कितना कराना था 60, तो 60 में 27 घटा दिए तो 33, ये बंद हो गया। कौन करेगा बी, बी का कैपेसिटी एक घंटे एक टाइम का कितना 4, तो 33/4 इसका मतलब 8 मिनट और कितना 15 सेकंड, इसको भाग देंगे तो मेरा क्या होगा 8 पूर्णांक 1/4, 1/4 को हम चेंज करेंगे तो 15 सेकंड होगा, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको तीसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, कैसे, बोला 3 मिनट तक दोनों चलाता तो 3/12 और 3/15 बराबर कितना 1, उसके बाद बोला ए को बंद कर दिया तो बी ए जो है 3 मिनट ही चला, बोला बी और टाइम चला तो एक्स मान लिया, और इसको क्या कर दिए सॉल्यूशन करके एक्स का जो भी रिजल्ट होगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो तीनों टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड, तीनों तरीका में जो आपको पसंद हो उस टाइप से आप बनाए। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल भी मेरा सेम ही है। क्वेश्चन बोला ए और बी 20 मिनट और 1 घंटे में भरता है, इसका मतलब ए 20 मिनट में और बी 1 घंटा, मतलब कितना 60। बोला दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद कहानी था शेष भाग को बी कितना टाइम में करेगा। तो क्या करेंगे 20 गुना 60 माइनस कितना टाइम तक दोनों चला था 10 मिनट तक, 10 इंटू 20 प्लस 60 बटे किससे भाग देंगे जो बंद हो रहा है 20, सॉल्यूशन करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल भी सेम है। बोला 24 मिनट और 30 मिनट, तो 24 गुना 30, बोला 8 मिनट तक दोनों को चालू रखता है, 8 इंटू कितना 24 प्लस 30 बटे किससे भाग देना है, बोला पहला टंकी को बंद करता है, जिसको बंद करता है उससे क्या कर देंगे भाग देंगे, सॉल्यूशन करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरे टाइप से कैसे बनाते, बोला 1/24 और 1/30 कर दीजिए, उसके बाद क्या करना है, बोला दोनों 8 मिनट तक चला था, 1 मिनट में इतना भाग, तो 8 मिनट में कितना भाग इतना भाग, उसके बाद दोनों को 1 कर देंगे, उसके बाद इसको बोला बंद कर दिए, ये यही रहेगा और ये कुछ देर और चलेगा, कितना मान लिए एक्स टाइम तक चलेगा, इस कंडीशन से भी एक्स का मान निकालेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल थोड़ा सा चेंजिंग है, सेम है। बोला ए और बी ये 20 मिनट में और बी कितना देर में 25 मिनट में, कहानी था दोनों तो खोला जाता है 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, बी को क्या बोला 5 मिनट दोनों स्टार्ट किया लेकिन बी को क्या कर दिया बंद कर दिया, तो क्या क्या घटना हो रहा था उसको देखेंगे। 20 और 25 दोनों के एलसीएम कितना 100, 20 पंजे 100 और 25 चौके 100। क्या बोला, कहानी था दोनों जो है 5 मिनट के लिए स्टार्ट किया जाता है, 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, जब 5 मिनट तक चलेगा तो एक बार में ये 5 यूनिट ये 4 यूनिट, तो 5 मिनट में कितना भरेगा 5 इंटू 5 प्लस 4 मतलब कितना 5 × 9 = 45 यूनिट, क्या कर दिया भर दिया। अब कौन भरेगा, बोला ए भरेगा, बी को बंद कर दिया, जब 45 यूनिट भर गया तो टोटल हमको भरना था 100, 100 में 45 खत्म हो गया तो मेरा क्या बचा 55 यूनिट भरना है, तो 55 यूनिट कौन भरेगा ए भरेगा, क्यों बी को बोला बंद कर दिए, ये बोला मेरा कैपेसिटी एक मिनट का कितना 5 यूनिट, तो 55/5 मतलब कितना
ग्यारह, यदि हम 11 ऑप्शन हम कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, किसी ऑप्शन में नहीं था। लेकिन सवाल को हम ध्यान से पढ़ेंगे, सवाल मेरा था हौज भरने में लगने वाला समय, ये तो हुआ शेष टाइम जो लगेगा वो, लेकिन बोला था हौज भरने में कितना टाइम लगेगा, तो बोला दोनों मिलके पहले 5 मिनट ये किया था और शेष का 11 मिनट और लगा था, इसका मतलब 5 + 11 बराबर कितना मिनट, 16 मिनट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अब छठे टाइप के प्रश्नों की ओर। छठा सवाल बोला ए जो है 12 मिनट में भरता है और बी 16 मिनट में भरता है, काफी अच्छा चीज है। बोला दोनों पाइप को एक साथ तो खोला जाता है, दोनों को खोल तो दिया, लेकिन बोला टैंक भरने के 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। टैंक जब भरने वाला था उसके टैंक मान जाइए इस टाइम तक भरने वाला था, बोला इसके 4 मिनट पहले ए को क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके पहले ऐसा सवाल हमने टाइम एंड वर्क में भी बताया था, किस कंडीशन में, जब काम पहले क्या कर दे, बंद कर दे। हम स्पेशल मेथड से भी हम सिखाते हैं, 48 दोनों का एलसीएम भर चुके, 48 सोल दिया कितना 48। जब एक आदमी चला जाए इसका मतलब टंकी जो है भरने के पहले जो है ये बंद कर दिया जाए तो काम क्या होगा, इसके लिए बढ़ जाएगा। हम क्या करते हैं तो बोला करना कुछ नहीं है, 4 मिनट एक टाइम का 4 यूनिट, तो बोला 4 मिनट पहले इसका मतलब कितना काम इसके लिए बढ़ा दिया, 4 × 16 यूनिट। टोटल काम हमको 48 कराना था, ये काम क्या करेंगे केवल ऐड कर देंगे तो हो गया कितना 64, और जो ये काम कर रहा था इससे केवल भाग दे देंगे और जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7 × कितना 63, उसके बाद क्या बच गया 1/7, इसको हम क्या करेंगे सेकंड में चेंज करेंगे 60 से गुना करके, तो मेरा क्या आएगा 9 मिनट और क्या 8 सेकंड, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या क्या काम किए, बोला ए 12 मिनट में और बी 16 मिनट में, बोला दोनों काम तो स्टार्ट करता है लेकिन जब टंकी भरने के पहले का कहानी हो तो करना कुछ नहीं है, जितना काम ये पहले छोड़ के गया तो दूसरे में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, वो टोटल काम बढ़ जाएगा और जो यूनिट कैपेसिटी था उससे केवल भाग दे देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी सवाल को दूसरे टाइप से कैसे बनाएंगे, इसमें भी आसान है कैसे, बोला ए 12 तो 1 भाग कितना 1/12 और वो 16 तो 1/16, उसके बाद बोला ए जो है टंकी भरने के पहले 4 मिनट पहले बंद कर दिया जाता। अच्छा मान लिया मैं एक्स मिनट में भरता तो दोनों कहानी क्या आ जाता, 1 मिनट का 1/12 तो एक्स मिनट का कितना 1/12। बोला कि ए जो है 4 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है तो 4 मिनट में क्या कर दिए घटा दिए और दोनों को यदि जोड़ दिए बराबर एक, क्यों लिखे टंकी यदि भरा हो तो 1 लिखना है, टंकी खाली करने का समस्या हो तो कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 48 हो गया एलसीएम, बढ़ चुके 48, 4x - 16 + 48 3x = कितना 1, 4 × 3 कितना 7x - 16 बराबर 48 हो गया, 7x बराबर कितना 48 + 16, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो गया 64 हो गया, और इस कंडीशन से भी x का मान मेरा कितना 64/7, इसका मतलब 9 मिनट और क्या 8 सेकंड। ठीक है, तो क्या क्या काम किए, बोला x टाइम तक दोनों चला, 4 मिनट पहले बंद कर दिया, केवल इसको माइनस कर दिया और सॉल्यूशन करके आंसर निकाल दिए। अब हम इसी सवाल को तीसरे टाइप से कैसे बनाएंगे, ट्रिक से, ट्रिक के में क्या करना होगा, कुछ याद रखना होगा, तो क्या याद रखना होगा उस चीज को आइए हम दिखाते हैं। बोला उसके लिए आपको याद क्या रखना होगा, उसको देखिए, बोला ए 12 मिनट में और बी कितना 16 मिनट में, उसके बाद बोला टंकी भरने के पहले 4 मिनट पहले इसको क्या किया जाता है बंद कर दिया जाता है, तो बोला बताइए कि जो है टैंक जो है उसके बाद कितना टाइम में भरेगा, तो इसमें क्या क्या याद रखना है उस चीज को देखिए हम दिखाते हैं। बोला करना कुछ नहीं है, जिसके साथ बंद किया या छेड़छाड़ किया इसको सीधा लिख देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, और जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ या इसको बंद नहीं हुआ है तो उसमें जितना टाइम पहले किया उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, दोनों को गुना कर दिए, उसके बाद जो जितना टाइम में भर रहा था दोनों को जोड़ देंगे और जितना टाइम पहले कर रहा था उस टाइम को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो क्या क्या मिल रहा है हमको, 12 × 12 / 28 + कितना 4, टाइम एंड वर्क में भी बताया 4 × 12 = कितना
28 क्या मिला हमको, 12 तीन 36 बटे 7 प्लस कितना 4, तो 36 प्लस 28 बटे 7 क्या आ गया 64 बटे 7, इसका मतलब 9 मिनट और क्या 8 सेकंड आया। वही चीज क्या क्या इसमें ध्यान रखना है बोलो, जिसके साथ छेड़छाड़ हो 4 मिनट यदि बी पहले बंद करता टंकी भरने के पहले तो इसके इसमें घटाते, इसको सेम रहने देते, ठीक है। और क्या क्या काम किए उसको एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। बोला ए जो है टंकी भरने के 4 मिनट पहले बंद किया है, तो ए बी के साथ छेड़छाड़ किए, बी में उतना घटा दिया और ए को सेम रहने दिए, बटे दोनों को ऐड करके क्या किए 4 मिनट पहले था 4 मिनट जोड़ दिया और मेरा आंसर हो गया। एक सवाल और लेते हैं इस टाइप का, सातवां सवाल। बोला 20 मिनट और 24 मिनट में भरता है, दोनों का एलसीएम कितना 120, 20 छक्के 20, 24 पंचे कितना 120। उसके बाद था दोनों को साथ तो खोल दिया जाता है, लेकिन टंकी भरने के 2 घंटा पूर्व दूसरा नल बंद कर दिया जाता है। जब टंकी भरने के पहले का बात हो तो क्या करेंगे, काम को केवल जोड़ देंगे। बोला 2 घंटा पहले, इसका मतलब 1 घंटा में 5 यूनिट, 2 घंटा में कितना 5 × 10, 5 × 2 कितना 10। टोटल हमको काम कराना था 120, ये 10 काम टंकी भरने के पहले चला गया, 10 यूनिट क्या कर दिया काम बढ़ा दिया, कितना हो गया 130। और कैपेसिटी कितना था 6 × 5 = 11, इसको हम भाग देंगे 11 × 11 = 121, 9 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी को हम दूसरे टाइप से कैसे बनाएंगे उस चीज को भी हम दिखा देते हैं। क्या क्या था बोला 20 मिनट और 24 मिनट, तो 1/20 और 1/24 दोनों का मान लिया एक्स टाइम में भर देता तो क्या हो गया एक्स से मल्टीप्लाई, लेकिन बोला टंकी भरने के पहले मान लिया एक्स टाइम में भर रहा था, बोला टंकी भरने के 2 घंटा पहले दूसरे नल को बंद कर जाता, तो इसमें 2 घंटा और क्या कर दिए कम कर दिए, टंकी भर गया, दोनों को जोड़ करके एक्स का मान निकाल लिए, जो भी आंसर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आज का यह पांचवा टाइप और छठा टाइप, टंकी भरने के कुछ देर पहले बंद करने का सिस्टम और दोनों टंकी को एक साथ शुरू करने का सिस्टम से संबंधित पाइप और टंकी के प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हमें उम्मीद है कि आप अन्य प्रतियोगी छात्रों को भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिसे वो परीक्षा में छोड़कर नहीं आ सके। तो उम्मीद है हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। साथ ही आपके स्क्रीन पर कुछ होमवर्क के लिए इनसे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यदि आप मन से वीडियो देखे होंगे तो दोनों तीनों टाइप से बनाएं, परीक्षा में आपसे छुटकर नहीं आएगा। इसके नेक्स्ट सीरीज में कुछ और प्रश्नों से होगी आपके साथ मुलाकात, तब तक हमारे लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।